नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ताबीज द्वारा जुआ लॉटरी खेलने का यह चमत्कारी ताबीज है, इससे बढ़ के मेरे पास दूसरा कोई ताबीज में नहीं है, तो आप इसे जरूर करें। ये बड़ी ही कलाकार है, ये इसको आप पहन के अगर जाते हैं तो विजय जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, तो इसको चलिए कैसे लिखना है और क्या क्या इसमें विधि है वह देख लीजिए। अनार के कलम द्वारा लाल चंदन से और गुलाब जल का पानी से स्याही बनाइए और सफेद कागज पर लिखें, फिर उसे अष्टगंध के ताबीज में भर कर गुगुल की धुनी देकर दाएं भुजा में बांध कर तब खेलने आप जाएं, सफलता अवश्य ही मिलेगी। लाल चंदन पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, गुलाब जल भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, अष्ट धातु की ताबीज जो कि आठ धातुओं से बनी रहती है उसको अष्ट धातु कहते हैं। ये जो है सोनी के यहाँ, सुनार के यहाँ मिल जाती है। आप बोलेंगे कि हमको अष्ट धातु का ताबीज चाहिए, उसमें इसको भर देना है ये ताबीज लिख करके। तो दोस्तों, ये ताबीज लिखने के लिए फिर एक बार सुन लीजिए। अनार की कलम, चंदन की लकड़ी, गुलाब जल में चंदन की लकड़ी को घस लीजिए, घस के स्याही बना लीजिए और तब जो है सफेद कागज पर लिखिए और उसको बकायदे मोड़ के छोटा सा ताबीज बना के उस ताबीज के अंदर डाल के उसको मोम से ऊपर से पैक कर दीजिए और जब आपको खेलना जाना हो उसमें काला धागा लगा दीजिए और पहन के जाइए। आप जरूर विजयी होके आएंगे। वह जो है मैं आपको ताबीज दिखा रहा हूँ किस प्रकार है, उसको आप लोग गौर से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको ताबीज जो दिखा रहा हूँ, दोस्तों ये रही ताबीज, इसी को आपको तैयार करना है। दोस्तों ये है ताबीज, सफलता दिलाने में नंबर वन की है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आप लिखते समय पूरा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इसको लिख के तैयार करिए। और दिन सुन लीजिए, कौन सा दिन, रविवार छोड़ दीजिएगा, मंगल छोड़ दीजिएगा, शनिवार छोड़ दीजिएगा, ये तीन दिन छोड़ के बाकी किसी दिन में आप लिख सकते हैं, सुबह के टाइम और 2 बजे के बाद, फिर 4 बजे के पहले। लेकिन एक और विशेष बातें हैं जी, लिखने से पहले हाथ पांव मुंह धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन के पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। पूर्व या उत्तर दो ही दिशा में बैठ के इस ताबीज को तैयार करें, श्रद्धा और लग्न के पूर्वक आपका काम बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। दोस्तों तो ये बड़ी ही कारगर ताबीज है, ये है जो है हम एक चमत्कारी अध्याय से इसको निकाला हूँ, तो आप इसे ग्रहण करें और इसे लाभ उठाएं। दोस्तों तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों एक और मेरा चैनल कलयुग के प्रथम चरण के नाम से है, उसको भी आप देखिए, उसमें एक से एक आपको जो है धार्मिक चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, सामाजिक व्यवहारिक पारिवारिक चीज़ें देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं भी रहें आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरे को भी मुस्कुरा
पुराने का कोशिश करें। दोस्तों आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।